तो ही गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। भाई आज क्या है, आज कुछ भी नहीं है, बस आज डेली व्लॉग है बिकॉज़ मैं काफी दिन से व्लॉग नहीं बना पा रहा था। चल झूठा, लास्ट मैंने संडे को ब्लॉग बनाया था और आज है मंडे ट्यूजडे वेंसडे, आज वेंसडे तो सर ऐसे मैं कहाँ चला आज ब्लॉग बनाता हूँ। खैर तो भाई अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 1 बज रहा है, तो मुझे अभी मोहित को स्कूल लेने जाना है और अदान को मदरसे छोड़ना। खैर फिर उसके बाद आज की डेली रूटीन आपसे शेयर करेंगे कि आज हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, तो लेट्स टू बिगिन। तो खैर आज का ब्लॉग हमारे यहीं से स्टार्ट होता है, तो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तरफ आ गए बट यहाँ पर सफाई वगैरह हो रही है, पर गर्मी इतनी बेताशा की हो रही है बाहर कि बता या नहीं जा सकता, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक गर्मी हो रही है। खैर कोई बात नहीं, बस अभी चलते हैं, अजान को मदरसे छोड़ेंगे फिर मोहित को स्कूल से लेकर आते हैं। अजान तैयार हो रहा है, अजान अजान यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुका है। खैर बस चलो बस निकलते क्योंकि अजान होने वाली है। सो गाइज आई वॉन्टेड टू टेल यू समथिंग बिकॉज माई इंस्टाग्राम वॉज हैक्ड, आई डोंट नो हाउ कि वो क्यों हैक्ड हुआ है, बिकॉज क्योंकि उसमें कोई ऐसा कॉन्टेंट नहीं था, मोस्टली मेरे पिक्चर्स और वीडियोज़ होती थी लाइक इंस्टाग्राम के पिक्चर्स एंड रील्स वगैरह जो मैं बनाता था, लाइक टूर वगैरह की जो मैंने बनाई थी। सो सडनली मैं आज 2 बजे के करीब मैंने अपना फेसबुक ओपन करा तो वहाँ पर बस नोटिफिकेशन आई हुई थी कि मेटा हैज़ रिमूव बाय इंस्टाग्राम अकाउंट। मैंने कहा ओके, मैं अपने इंस्टाग्राम में गया तो मैंने वहाँ पर जाकर अपना इंस्टाग्राम जब ओपन करा तो देखा कि वहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम ओपन ही नहीं हो रहा, लाइक लॉगिन पेज आ रहा है और इसके अलावा मैं वहाँ पे अपना पासवर्ड पुट कर रहा हूँ तो वो रिकग्नाइज नहीं कर रहा, और इसके साथ साथ वो मैं अगर वेरीफाई कर रहा हूँ यानी कि नंबर से मैं उसको वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो वेरीफाई भी नहीं हो रहा, यानी कि वहाँ पर मेरा अकाउंट ही फाउंड नहीं हो रहा। तो मैं एकदम से शॉक्ड होकर मैंने कहा व्हाट द हेल, कि हुआ क्या है मेरे साथ, क्योंकि सुबह मैंने पिक्चर अपलोड करी थी और एक रील अपलोड करी थी तो उसके बाद मैंने अपना अकाउंट यानी कि बाहर आ गया था, दैट्स इट। तो फिर मैंने अभी जब दोबारा फेसबुक से मैसेज आया तो मैंने ओपन करा तो वहाँ पे मेरा अकाउंट भी ओपन नहीं होगा। तो खैर मुझे मेरे दोस्तों के फ़ोन आया और वहाँ से मुझे कज़न का फ़ोन आया कि तुम्हारे इंस्टाग्राम पर कोई और पोस्टिंग कर रहा है लाइक मिज़ान बैंक वगैरह से कि विड्रॉल समथिंग लाइक 2 लाख रुपीज़ विड्रॉल, 3 लाख रुपीज़ विड्रॉल। सो आई वॉज शॉक्ड भाई, वो मैंने 8 से 6 साल पहले वो अकाउंट बनाया था, लाइक वो मेरा फर्स्ट अकाउंट था तो मैंने उसी से स्टार्ट करा था, लाइक मेरे इस पर जो भी पिक्चर्स वीडियोस वगैरह जो भी थी वो मैं वहीं पर ही अपलोड करता था। तो बस पता नहीं कि वो कैसे हैक हो गया, तो वो मुझे बिल्कुल ही नहीं मिल रहा। बस मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे मेरा अकाउंट वापसी मिल जाए और मैं कुछ पिक्चर्स अटैच करूँगा, वो भी आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से वो मेरे प्रोफाइल से दूसरे बंदों को यानी कि स्टोरीज शेयर कर रहे हैं कि विड्रॉल इतने 2 लाख रुपीज़ हुए, 3 लाख रुपीज़ हुए, तो वो लोग आप लोग ज़रूर देख लेगा। खैर अभी चलते हैं और अपने काम वगैरह निपटाते हैं। तो बस आई एम सो सैड कि मेरा अकाउंट चला गया। खैर उम्मीद करते हैं कि बस मिल जाए दोबारा से वही अकाउंट, वरना फिर बैकअप अकाउंट बनाना पड़ेगा मुझे अपना। मैंने अपना बैकअप अकाउंट तो बना लिया है पर अभी भी मुझे अपने पुराने वाले अकाउंट की कोई सूरत हाल नहीं पता। बस मुझे काफ़ी सारे लोग भी DMs आ रहे हैं, मुझे WhatsApp पे लोग मैसेज कर करके ये पूछ रहे हैं कि भाई तुमने किस तरह का चूरन बेचना शुरू कर दिया इंस्टाग्राम पर। मैंने कहा यार मेरा चूरन नहीं बेच रहा, मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट हैक हो गया। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि हमने उनसे बात भी करी है, वो कह रहे हैं आप इतने डिपॉजिट करें तो ऐसा होगा तो वैसा होगा। खैर कोई बात नहीं, अब देखते हैं कि क्या होता है हमारे उस अकाउंट को। मैंने बोला है काफ़ी सारे लोगों से कि आप लोग मेरे अकाउंट को रिपोर्ट करें इस वाले को और जो मैंने नया अकाउंट बनाया है उसको जाके फॉलो करें, तो गाइस आप लोग भी वो ज़रूर फॉलो करें और जल्द अज़ जल्द मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें जल्दी से जल्दी, ताकि मेरे जल्द अज़ जल्द 1000 फॉलोअर्स तो उस पर चल गए, क्योंकि जितने मेरे थे मुझे तो चाहिए लाजमी तौर पर। खैर तो बस अभी तैयार वगैरह होते हैं, जिम जाने का टाइम होने वाला है क्योंकि अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 8 बज रहे हैं, तो बस जिम के लिए निकल लेंगे क्योंकि बकाश भी आने वाले हैं, बस जल्दी से तैयार हो गए। A few moments later. I'm ready. मैं जिम के लिए तैयार हो चुका हूँ, तो बस अभी बकासी लोग भी बाहर आ चुके हैं, तो ये लोग बाहर खड़े हुए हैं और अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 9:30 हो रहा है क्योंकि आज लेट हो गए क्योंकि बकास लेट आया था इस वजह से। तो बस अभी चलते हैं जिम के लिए, फिर मिलते हैं आपसे जिम से आने के बाद। 5 hours later. So भाई जिम से बिल्कुल अभी अभी आकर मैंने खाना वगैरह खाया, खाना वगैरह खा के पर लाइट चली गई थी, तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है, इस वक्त टाइम हो रहा है 1 बज रहा है। खैर तो मैंने तो यार ब्लॉग को एंड करते हैं,
क्योंकि आज का बहुत ज़्यादा वर्ड्स डे था बिकॉज क्योंकि मेरे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. मॉर्निंग अच्छी हुई थी, आफ्टरनून तो बुरी हो गई बिल्कुल ही, अकाउंट जब से सस्पेंड हुआ. खैर कोई बात नहीं, इसमें भी अल्लाह ताला की कोई ना कोई बेहतरी होगी, क्या पता इससे अच्छा मेरे लिए आगे कुछ और रखा हो अल्लाह ताला ने. खैर मैंने उस अफसोस से बाहर निकल के मैंने कहा यार बैकअप अकाउंट बना लेते हैं. मैंने बैकअप अकाउंट बना लिया है तो आपको मैं वो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुट कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं. सो आज का व्लॉग हमारा यहीं तक था. होप यू गाइस एंजॉय माय व्लॉग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग.